बिस्मिलहन असलामकुम वेलकम बैक टू तो माई चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं आज की व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी ऐसी रेसिपी है ना कि बस आप बनाएं और अपने घर वालों के दिल जीत लें तो ये कल रात से व्लॉग में कर रही हूँ स्टार्ट रात को जो है ना मैं सारे कामों से फ्री होकर जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा जी मेरे पर्दे के पीछे जो है ना मेरे कुछ कपड़े हैंग होने वाले पड़े हुए थे तो नॉर्मली तो मैं जब कपड़े उतारती हूँ फ़ौर को हैंग करके मैं लटकाती हूँ लेकिन कभी कभार कोई एक अद्धा रह भी जाता है तो बस फिर उसको मैं लगे हाथों जैसे ही मैं देखती हूँ तो मैं उसको समेट देती हूँ यहाँ पर मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन चिकन मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ली है जी योगर्ट के तकरीबन हाफ कप के करीब जो है ना ये योगर्ट होगी वो ली है और जितनी थिक योगर्ट होगी उतना ही बेहतर है लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैंने कूट लिया था सब्ज़ मिर्चें सुरख हो गई थी साथ में डाला थोड़ा सा ऑयल डाला दो से तीन चम्मच थोड़ा सा मैंने नमक डाला उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे ज़ीरा पाउडर हाफ़ हाफ़ टेबल स्पून में डालूँगी और इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा लेमन हाफ़ लीमू देखिए कितना रस भरा लीमू है ये पूरा हाफ़ मैंने यूज़ कर लिया था उसके साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी तंदूरी मसाला और बस ये सिंपल से बेसिक से मसाले हैं मैंने कोई बे वाला तिक्का मसाला ये वो कुछ भी यूज़ नहीं किया आपके सामने ही मसाले डाले हैं इसको अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद जो चिकन मैंने धो के रखा हुआ था वा वाश करके उसको मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और रात के टाइम मैरिनेशन करके रखें नेक्स्ट डे चिकन बनाएँ आपका चिकन इतना जूसी टेंडर इतना मज़े का बनेगा याद करेंगे यहाँ तकरीबा रात के बारह बजे थे जब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी उसके बाद नमाज पढ़ के मैं सो गई सुबह सुबह का देखें जी टाइम नमाज पढ़ के जैसे ही मैं कपड़े चेंज करके बाहर आई तो मैंने मशीन सुबह सुबह लगाई हुई थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इन कपड़ों को जो है ना यहाँ पे फैला लूँ इतने में बच्चे जो हैं फिर उठ के आएँगे तो साथ ही साथ उनको फिर मैंने नाश्ता देना होता है बच्चों के उठने से पहले पहले ये मैं काम मैंने सोचा कि मैं निपटा लूँ रात को जो मैंने मैरीनेशन करके रखे हुए थे चिकन तो उसके बॉक्सेस मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि फिर थोड़ा सा भी कोई खड़खड़ की आवाज़ आए ना तो नींद उठ जाते हैं तो बस मैंने ना शोर किए बगैर रात को मैरनेशन करके चिकन जो है ना रख दिया था इसीलिए भी आज जो है ना सुबह सुबह उठते साथ मुझे ये चीज़ें समेटनी पड़ी साथ ही फिर मुझे किचन भी समेटना पड़ा मैंने सोचा कि ये सारा किचन समेट के फिर मैं आराम से नाश्ता स्टार्ट करती हूँ नविदी जो है ना एक दफा उनकी आँख खुल जाए ना उसके बाद काफ़ी देर फिर उनको जो है ना नींद नहीं आती तो बस इसीलिए रात को फिर मैंने हल्के हल्के हाथों से बस चिकन मैरिनेट किया उसको फ्रिज में रखा और मैं ऐसे ही सो गई थी बस जी बच्चों को मैंने उठाया बच्चे नमाज वग़ैरह पढ़े थे इतने में मैंने सोचा कि मैं जब तक वो नमाज़ पढ़ के आती हैं तो मैं किचन में आकर उनका नाश्ता बना लूँ ये देखें जी थोड़ी सी डेकोरेशन के साथ मेरा किचन कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह और इस टाइम पे तकरीबन जब मैं सारे कामों से फ्री हो गई तो तकरीबन सात बज गए थे और सात बजे मैंने बच्चों के लिए नाश्ता सोचा क्या करती हूँ धूप अच्छी खासी आज निकली है तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ चाय नहीं बनाती यहाँ पे मैंगो मैं लेके आई हुई थी एक फ्रीज़ किया हुआ था तो मैंने सोचा चलो मैंगो का शेक बनाती हूँ साथ जो है ना बच्चों को ब्रेड गर्म करके थोड़ी सी जैम लगा के वो देती हूँ दूध जो है ना बच्चे सुबह सुबह नहीं पीते हैं दूध तो सुबह सुबह क्या किसी टाइम भी दूध नहीं पीते क्योंकि यहाँ पे फ्रेश दूध जो है ना वो कैरेफोड से मिलता है और वहाँ पे कौन चाय लेने के लिए हमारे घर से बहुत दूर है डिब्बे वाला दूध बच्चे पीते नहीं हैं तो इसीलिए बच्चे जो है ना कभी है शेक पी लें वरना वो थोड़ी सी बस चाय पीते हैं अच्छा यहाँ पर बस जल्दी से मैंने ब्रेड को अच्छे से गर्म किया और मज़ेदार किस्म का नाश्ता बच्चों का टेबल पर रखा उन्हें मैंने कहा बस आ जाएँ फटाफट से नाश्ता कर लें बच्चे रेडी होकर आ गए थे नाश्ता करने के लिए नाश्ता करने के बाद फिर जी मिसैन को तैयार करना बच्चों को तैयार करना उनको स्कूल छोड़ के आना और ये तो रोज रूटीन के काम कि मिस्टर फाइक तो कहते हैं मैंने लेना है साइकिल और मुझे जाना है ममा साइकिल पे और आप जो है ना आ जाओ इनको ले के पैदल तो खैर फ़ाइक साहब तो चले कि बाहर पहले ही हमसे साइकिल पे और मुझे पता है ना जब नई नई कोई चीज़ आती है ना तो बच्चों को बहुत उस चीज़ का होता है फाइक साहब की जब से वो साइकिल आई है ना तो वो तो भाग भाग के मेरे काम भी करते हैं प्लस उनको होता है कि सुबह स्कूल भी मैंने साइकिल पर ही जाना है कुरन मिस को मैंने आज जो है ना रिक्वेस्ट की मैंने कहा प्लीज़ आज घरेलू नहीं लो धूप बड़े मज़े की है तो आराम आराम से जो है ना वो पैदल चल के जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के ना स्कूल के पीछे ही ये पार्क है उसका एक चक्कर मैं लाजमी लगाती हूँ और सुबह सुबह फ्रेश एयर इतना सुकून वाला माहौल ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत फ्रेश करती हैं पार्क का पूरा चक्कर लगा के ना अगर कभी दिल करे तो दो चार मिनट बैठ जाती हूँ वरना ना मैं आ जाती हूँ घर राउंड लगाने के बाद जब मैं घर आती हूँ तकरीबन तो नौ सवा नौ बजे का टाइम हो जाता है और घर आके मैंने यहाँ पे जी अपने लिए मैंने जो का दिल क्या बनाया हुआ था एक दिन पहले बस उसको मैंने गर्म करके वो खाया कुछ दिन पहले ना मैं ब्रोकली लेके आई हुई थी तो अनवीद को था कि मुझे ना बॉईल करके दे देना करना लेकिन वो उनका दिल नहीं कर रहा था अभी खाने को तो मैंने सोचा पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए मैं ऐसे करती हूँ इसको कट करके फ्रीज कर देती हूँ जिस टाइम उनका दिल किया मैं उनको निकाल के स्टीम या बॉयल मैं उनको कर दूंगी तो बस मैंने इसको कट करके ना फ्रीजर में रख दिया यहाँ पे मैं आ गई किचन में मैं यहाँ पे बना रही थी जी मज़ेदार किस्म के तवा कुल्छे तवे वाले नान उसके लिए मैंने मैदा यूज नहीं किया मैंने लिया था जी चक्की का आटा चार कप उसके अंदर मैं डालूंगी यीस्ट एक पैकेट ये जो यीस्ट का है तकरीबन ये छोटी वन टी बनता है तो ये मैं इसमें डाल दूँगी इतने मज़े के ये नान बनेंगे ना अगर आप लोगों ने ट्राई किए तो बस याद करेंगे साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी जी हाफ चम्मच जो है वो चीनी डाल दूंगी और साल डालूंगी थोड़ा सा इसमें बेसिक बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत मज़े के नान होते हैं रेडी दो से तीन चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था जी ऑयल उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन डेढ़ कप के करीब जो है ना दूध भी मैंने गर्म करके नीम गर्म करके रख लिया था हाफ ग्लास मैंने लिया नीम गर्म पानी उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूँगी दो से तीन चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर के और ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हमारा फोरनो जो है ना वो काफ़ी महीना डेढ़ हो गया ख़राब हुआ हुआ था तो बस इसको मैंने कल पर सोचो है वो टेक्नीशियन आया वो ठीक करके गया तो वो ठीक करके गया ही तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्म का रोस्ट रेडी करते हैं तो वो मैंने रात को मैनेशन करके रखा हुआ था और यहाँ पर बस सुबह सुबह मैंने सोचा कि आटा गून के रख देती हूँ डेढ़ से दो घंटे में जो है ना वो आटा भी ठीक हो जाएगा अच्छी तरह इसको मैंने गून के छः से सात मिनट तो बस मैंने इसको रख दिया कवर करके डेढ़ से दो घंटे में जब तक ये साइज़ में डबल हो जाएगा जब तक आटा मैंने सोचा कि हमारा रेडी हो जाएगा इतने में मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग कर लेते हैं और सुबह सुबह का ये टाइम ना मुझे लगता है बहुत भाग दौड़ के जो है ना ये टाइम गुजरता है फटाफट काम निपटाते निपटाते जो है ना वो बारह बज जाते हैं बच्चों को दोबारा से स्कूल पिक करने का टाइम हो जाता है और एक मिनट भी मैं कहती हूँ सांस लेने का टाइम नहीं मिलता नवीर जो है ना वो भी हॉस्पिटल से तकरीबन बारह सवा बारह आ जाते हैं बच्चों को भी बारह बजे मुझे लेना होता है तो फिर हम लोग जो दिन का खाना है वो बारह से सवा बारह बस हम लोग खाते हैं और उससे पहले पहले मुझे होता है घर भी साफ सुथरा हो खाना भी मेरा जो है ना वो रेडी हो जाए कल ना नवीद को मैं बता रही थी डेली आ... घर में दो दो दफ़ा हम लोग जो है ना क्लीनिंग करते हैं दो तीन दिन पहले मेरी थोड़ी तबियत ख़राब थी तो मैंने ना क्लीनिंग नहीं की फाइट जैसे ही घर में एंटर हुआ ना आते ही उसने कहा मामा आज घर साफ़ नहीं किया तो मुझे ना बड़ा ऐसे हुआ ना अब इसी बाहर से जब हम आती हैं ना तो हमारा दिल करता है घर साफ़ सुथरा हो हर चीज़ साफ़ सुथरी हो तो बस सुकून मिलता है किचन भी मैंने बिल्कुल साफ सुथरा करके चहना वो रख दिया था और रात का जो मैंने निशन करके मैंने रखा हुआ था चिकन उसको मैंने निकाला फोरनों को बस मैं ऑन कर रही थी और साथ ही फोर्नो के ट्रे के अंदर मैं रख के इसको मैंने पहले प्री हीट के लिए नहीं रखा था बस मैंने इसको ऑन किया और ऑन करके साथ ही मैं इसको चिकन को रख दूँगी कभी कभी मुझे लगता है ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों की हम लोग कितनी टेंशन ले लेते थे मेरा ये फ़ोनो ख़राब हुआ तो मुझे लगा वो मई गार्ड कहीं ये ना ये सही ना हो तो ये तो कोई उल्टा खर्चा जो है ना ये पड़ गया लेकिन अलहमदिल्ला से टेक्नीशियन आया और उसने देखा कि जो पीछे वाली तार थी ना वो एक जल गई थी तो उसने बस वो चेंज की स्विच चेंज किया तो अलहमदिल्ला से फ़ोन हमारा ठीक हो गया चिकन जो है ना उसको मैंने रख दिया फोर्नो में उसके साथ ही जो थोड़ा सा उसका मसाला बचा था उसको मैं गिराऊंगी नहीं उसके अंदर मैं क्या करूंगी मेरे पास जो वेजेज़ पड़ी हुई थी उनको मैं कट कर लूंगी मैंने यहाँ पे दो से तीन आलू लिए हैं शिमला मिर्च ली है प्याज लिया है एक छोटे साइज का मैंने टमाटर भी ले लिया था और चिकन के साथ ये सब्जियाँ बनाए ना तो बच्चे आराम से खाना भी खा लेते हैं और फिर वो रूखा पीखा सा चिकन जो है ना वो हाली रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता तो मैं हमेशा से कोशिश ये करती हूँ कि साथ जितनी भी वेजिज़ मेरे पास पड़ी होती है ना अगर बैंगन हो काली तोरी हो तो मैं वो भी इसमें डाल लेती हूँ लेकिन इसको मैं हमेशा तब डालती हूँ जब मेरा चिकन जो है ना वो हाफ़ डन हो जाए मैंने थोड़ा सा नमक थोड़ा सा लेमन डाल दिया था और लेफ्ट ओवर जो मसाला था उसके अंदर डाल के सब्ज़ियाँ इनको मिक्स कर लिया था चिकन हाफ़ डन हो गया उसके बाद मैंने इसमें डालनी थी सब्ज़ियाँ और वेजिज़ डाल के मैंने इसको दोबारा से रख दिया फोरणों में तकरीबन बीस पच्चीस मिनट के लिए जब तक चिकन रेडी होगा उतने में मैंने सोचा कि ये लगे हाथों तो थोड़े से बर्तन हैं इनको भी धो के मैं रख लूँ साथ ही साथ मैं चटनी बना के थोड़ी सी रख लूँ और साथ ही नान के ऊपर जो मैंने लगाना था धनिया उसको मैंने निकाल के कूटा था धनिए को उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था यहाँ पे जी देखें आटा हमारा राइस हो चुका है और पेड़े बना के मैं इसको रख दूँगी दोबारा से पेड़े बना के तकरीबन पंद्रह बीस मिनट के लिए दोबारा से छोड़ने हैं कवर करके इसको रख देना है जब तक पेड़े भी साइज़ में थोड़े से बड़े ना हो जाएं। इसे देखिएगा हमारे नान कितने सॉफ्ट किस्म के बनेंगे पेड़े बना के रखे तो मैंने सोचा कि बस यहाँ पे जल्दी से मैं अपना कमरा समेट लूँ बच्चे जो हैं वो अपना अपना कमरा समेट के जाते हैं स्कूल अपने कंबल ब्लैंकेट हर चीज़ वो तय करके समेट के जाते हैं तो मुझे बस अपना ही बेडरूम साफ़ करना था साथ ही बच्चों को स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया बच्चों को भागते दौड़ते मैं स्कूल से लेके आई और आते साथ जो है ना मैंने सोचा कि बस अब गर्म गर्म नान बना के इनको खाना देती हूँ मैंने नान पहले नहीं बना के रखे थे मुझे था कि थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उस तरह का मजा नहीं आएगा तो बस जैसे ही बच्चे आए मैंने बोला हाथ दें जल्दी से मैं बनाती हूँ नान और नान बनाने के लिए मैंने इसकी स्लरी रेडी करके रखी हुई थी मैंने चक्की का आटा उसके अंदर थोड़ा तो सा पानी डाल के इसकी स्लरी बना के रखी हुई थी इसको बेल के तो मैं एक साइड पे इसकी लगा लूँगी जी स्लरी और यही साइड मैं तवे पे रखूँगी ताकि हमारे नान जो हैं अच्छे से तवे के साथ चिपक जाएँ ये देखें आपको पेड़े भी नज़र आ रहे हैं ये साइज़ में डबल हो चुके थे और फाइनल रिजल्ट देखिएगा हमारे नान कितने मज़े के बने हैं मैंने तवे के ऊपर नान डाल के ना उसको छोड़ दिया था जब तक उस साइड पे दूसरी साइड पे जो है ना हमें बबल्स नहीं बनते नजर आएंगे जब इसके बबल्स बन जाएंगे ना तो इसका मतलब ये है कि तवे के साथ जो है वो नान अच्छे से चिपक भी गया है प्लस उसकी जो नीचे वाली साइड है वो अच्छे से बन गई है पक गई है तो बस आँच को ना बहुत तेज़ करना है ना बहुत ही आहिस्ता और इसको तवे को जो है ना बस पलटा के तो नान को पका लें पहले वाला नान जो है ना वो मेरा थोड़ा सा जल गया था थोड़ा सा लेकिन बाकी वाले नान जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है ना वो बन गए थे साथ ही साथ ये देखें जी फोनों में जो चिकन था वो भी रेडी हो चुका था बस मैंने जल्दी से इसको डिश आउट किया और फटाफट -फट से बच्चों को मैंने गर्म गर्म नान बना के सर्व किए इतने में निवीद भी आ गए उनको मैंने कहा कि आज की जो नान है ना वो आप खाएंगे ना ये मैं कहती हूँ ये नान नान तो नहीं लग रहा था लेकिन ये था वो तंदूर की जो रोटी है ना बिल्कुल वही टेस्ट था क्योंकि ये तो मैंने मैदे से तो बनाया नहीं था मैंने चक्की के आटे से बनाया था तो बिल्कुल जो तंदूर की एक रोटी होती है ना उसका इसका टेस्ट था और ऊपर हल्का सा बटर और ये जो मैंने धनिया कूट के लगाया था ना इससे तो क्या ही कमाल का इसका टेस्ट हो गया था बच्चों ने बहुत इंजॉय करके खाना खाया अलहमदिल्ला से और साथ मैंने थोड़ी सी चटनी भी बना ली थी थोड़ा सा मैंने सैलड भी बना लिया था और गर्मा गर्म नान बना बना के मैं बच्चों को सर्व कर रही थी और आप लोगों से मैंने ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि डॉक्टर ने नवीद की जो बाज़ू की सर्जरी करनी है उसकी डेट दे दी है सेवन को जो है वह नवीद की सर्जरी है है तो ये एक माइनर सी सर्जरी फिस तोले की लेकिन इससे पहले क्या हुआ था आज से चार साल पहले जब नवीद का उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बाजू पर फिस तोला लगाया था ना तो नवीद का उन्होंने जब नवीद को बेहोश करके सर्जरी की ना तो नवीद का बी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था बहुत ज़्यादा उनकी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो बस ना इन छोटी छोटी चीज़ों से फिर मुझे बड़ा डर लगता है है। तो आप लोगों ने स्पेशल सी दुआ करनी है कि नवीद की ये जो बाजू की सर्जरी छोटी सी उन्होंने दोबारा से करनी है वो इसमें कोई मसला ना हो और जल्दी से ट्रांसप्लांट हो जाए ताकि ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं इनसे जान ही छूट जाए और मुझे और मेरी फैमिली को आप लोगों ने स्पेशल स्पेशल जो है ना वो अपनी दुआओं में याद रखना है और जजाकल्लाउ खैर आप में से जितने सारे लोग मेरे चैनल की वीडियोस को वॉच करते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं इवन जब आप लोग कमेंट करके बता रहे होते हैं ना कि आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है मेरी वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला के मैं कहती हूँ बहुत अच्छे बंदे भी इस दुनिया में मौजूद हैं तभी तो ये दुनिया चल रही है एहसास करने वाले मोहब्बत करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं और हॉस्पिटल से जब निवीद आती है ना पता नहीं उनको इतनी सर्दी लग रही होती है उनकी बॉडी का टम्परेचर जो है ना वो बैलेंस होने में बहुत टाइम लग रहा लग जाता है हालाँकि हमें जो है ना सम टाइम गर्मी फ़ील हो रही होती है लेकिन ईद को ठंड लग रही होती है इतनी उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है ना इतनी ज़्यादा प्लस ये कोविड के बाद उनकी बहुत तबीयत ख़राब रही है बहुत ज़्यादा अभी तो फिर भी अलहमद से पहले से काफ़ी बेहतर हैं और आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है कि उनका ये जो लीवर का मसला बना हुआ है ये सब मसले मसाइल उनके ठीक हो जाएं और दोबारा से ट्रांसप्लांट की फ़ाइल ओपन हो जाए और उनका ट्रांसप्लांट हो जाए वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग और अगर आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे उसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद बच्चों की ये छोटी छोटी मस्तियाँ जब चल रही होती हैं ना तो मुझे इन पर बड़ा प्यार आ रहा होता है और मैं आपको बताऊं हुरैन की ज़्यादा दोस्ती जो है ना वो रमीज़ के साथ है फ़ाइक इसको आके ना उठाने की कोशिश कर रहा था तो ये उसके साथ जा नहीं रही थी उसने कहा आओ मैं तुम्हें बॉम्बो भी दूंगा तो वो भी नहीं गई उसने कहा आओ मैं तुम्हें जो है ना बिरोज दूंगा तो फिर भी नहीं गई उल्टा रो रो के दिखा रही थी डैडी देखो मुझे फ़ाइक तंग कर रहा है तो बच्चों की अलहमदिल्ला से छोटी छोटी मसियों को हम लोग इन्जॉय कर रही होती हैं अल्लाह ताली ये रोन के सदा कायम रखे आमीन और सबके पेरेंट्स का साया उनके बच्चों पे हमेशा कायम उदायम रखे आमीन मुझे रखिएगा दुआओं में याद अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़ टेक केयर फ़ी अमान ला